Assalamu alaikum friends, welcome to learn.pk and subscribe us to keep in content. Learn.pk की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है जिसकी वजह से स्टूडेंट को बहुत ही कम टाइम में फेडरल की बुक, ए लेवल की बुक, इनमें जितने भी कंसेप्ट हैं, खास तौर पर सबसे पहले बायोलॉजी के, ये बहुत ही कम टाइम में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि जब वो पेपर में बैठे उसे किसी किस्म की टेंशन ना हो कि शायद पेपर ए लेवल में आ जाएगा, शायद पेपर फेडरल की बुक में से आ जाएगा। क्योंकि चंद दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि नम्स का पेपर जो कि अब कैंसिल हो चुका है, उसमें नम्स ने एक एमसीक्यूज कम्प्लीटली ए लेवल की बुक से उठाया था और अपने पेपर में डाल दिया था। और बेशुमार ऐसे एविडेंस हैं 2018 के UHS के MDCAT में कि जो UHS है वो भी डिफ़िकल्ट MCQs बनाने के लिए ए लेवल और फेडरल की बुक का सहारा लेते हैं। अब जो उनका नम्स का पेपर है ये 70% 80% आता है फेडरल की बुक से। वो पंजाब के जो स्टूडेंट होते हैं उनको फेडरल की बुक को कवर करना, अपनी बुक को कवर करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो स्टूडेंट को ए लेवल की बुक्स जितने भी हैं वो तो मैंने प्रोवाइड कर दी लिंक के थ्रू बिल्कुल फ्री। लेकिन स्टूडेंट का ये एक ऑब्जेक्शन आ रहा था कि सर हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम ए लेवल और फेडरल की बुक को कैसे रीड करें। तो उनके लिए learn.pk ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे आज 12 AM पे एक वीडियो अपलोड होगी बायोलॉजी के एक चैप्टर की, जैसे गैसेस एक्सचेंज है, और इसी तरह से 3 AM पे सेकंड वीडियो अपलोड होगी जिसमें हम जो होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर है उसमें फेडरल के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो डिस्कस होंगे। इसी तरह से जो 3 AM के PM के बाद 5 PM पे एक और वीडियो, यूँ समझ लें कि 2 to 3 days में ये तमाम वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी। इसके अलावा स्टूडेंट ने एक बार देख ली एक वीडियो, उससे पता लग गया कि फेडरल की बुक में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारी बुक में नहीं है और ये कंसेप्ट है। इसके बाद स्टूडेंट को प्रोवाइड हम करेंगे साथ साथ एक बुक जिसमें तमाम फेडरल की बायोलॉजी के, फेडरल के, इसके अलावा ए लेवल की एक बुक प्रोवाइड करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है वो होंगे। क्योंकि अब एक स्टूडेंट है जिसने तमाम पॉइंट समझ लिए, अब पेपर करीब है, वो चाहता है कि फेडरल और ए लेवल के जो पॉइंट हैं वो रिवाइज हो जाएं। अब उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो बार बार आए 10 मिनट की 8 मिनट की 12 मिनट की वीडियो देखे और पॉइंट को रिकवर करे, इसलिए उसे बुक इसलिए प्रोवाइड की जाएगी ताकि कल को जब भी उसे इन पॉइंट को रिवाइज करना पड़े, 15 पॉइंट हैं तो उसे 2 to 3 मिनट लगे और वो देख ले वाकई ये पॉइंट ऐसा, ये कंसेप्ट ऐसा, ये चीज़ ऐसी है। इसलिए उनको बुक प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, पॉइंट की वीडियो में समझा देना ये भी ज़रूरी है ताकि कौन से पॉइंट में कौन सा लॉजिक है, इन तमाम चीज़ों को स्टूडेंट तक पहुँचाना फेडरल की बुक का, ए लेवल की बुक का, ये हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह आज 12 AM पे एक वीडियो अपलोड होगी, 3 PM पे दूसरी, 5 PM पे तीसरी, और टाइम के साथ साथ जितनी जल्दी हो सके इन तमाम चीज़ों को कवर करेंगे और स्टूडेंट को फेडरल के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये एज अ बुक आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्द। यूँ समझ लें कि आज हो सकता है 5 PM के बाद ये बुक आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें इन द फॉर्म ऑफ PDF, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि सबसे पहले आपसे आपका एड्रेस मांगा जाए, फिर इस बुक की प्रिंटिंग की जाए जो कि मैंने खुद बनाई है, उसके बाद आपके एड्रेस पे सेंड की जाए, 2 to 3 days आपके एड्रेस पे सेंड होते हुए लग जाएँ। सो इसलिए आपको PDF फॉर्म में डायरेक्ट सेंड की जाएगी। होप यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह।